ये सबको मालूम है कि जो पुरुषार्थ हैं चार हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, परम लोक। अर्थ मीन्स धन की इच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं, धन प्राप्ति तो बिल्कुल बुरी बात नहीं, सभी लोग कार्यरत इसलिए कि उनको उससे धन प्राप्त हो जिससे उनका जीवन चल सके। दूसरा स्तर जो काम भावना का है, कहीं ना कहीं वो प्रेम से भी जुड़ा जा सकता है, यानी मुझे प्रेम मिले, इज्जत मिले, इंपॉर्टेंस भी मिले, यू नो, प्रेम ऊर्ध्वगामी भी हो सकता है, अधोगामी भी हो सकता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट माया के ऊपर आ जाता है, क्योंकि धन किसको चाहिए, उस इंसान को चाहिए, उसका दिमाग केवल कहां पर है, पैसा मुझे मिले। अगर पैसा मिल रहा है खुश है, पैसा नहीं मिला तो ना खुश है, प्रेम मिला तो खुश है, जिस दिन नहीं मिला कहा सुनी हो गई, ना खुश है, परमानेंट नहीं मिला, परमानेंट ना खुश है। एक बॉक्स है अभी जिसमें मुझे अगर मिलता रहेगा तो मैं खुश हूं, और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं नाराज हूं, दुखी हूं, मैं कंप्लेंट करूंगा। तीसरा पुरुषार्थ है धर्म का, जहां गॉड इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। यहां आप ये भी मान रहे हो कि भाई मैं भी कर्म कर रहा हूं और तुम्हारी भी रसा है, मीन्स मनी, लव, गॉड्स विल कि तुम्हारी कृपा भी है प्रभु। यहां पर आप एक और बीइंग को अपनी लाइफ में ला रहे हो और ये कह रहे हो कि अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना नीचे वाली दोनों चीजों के लिए भी। ऐसा इंसान सोचता है कि देयर इज समवन, यू नीड गॉड्स ग्रेस, यू कीप डूइंग योर वर्क, आप अपना काम कर रहे हो, साथ साथ कह रहे हो कि तुम भी कृपा बनाए रखना, मींस ड्यूअल सपोर्ट सिस्टम, मैं भी कर रहा हूं तुम भी हो, देते रहना। और चौथा है मोक्ष, जिसमें आप गॉड इटसेल्फ की बात कर रहे हैं, या गॉड्स ग्रेस की बात नहीं कर रहे, गॉड से कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत डिफरेंस है। परापरा भक्ति के अंदर एक तरफ आनंद कहां से आएगा, धन से, मैं कमाऊंगा तो आएगा, अपने आप थोड़ी आएगा, दूसरा प्रेम से मुझे मिलना चाहिए, पर यह दोनों में मय है, मैं प्रयत्नशील हूं, मुझे मिलना चाहिए, तो ये नीचे की ओर एरो कर रहे हैं ये दोनों। आप जब तक ये दो चीजें मांगते रहोगे आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मांग रहे हो। तीसरा है गॉड ग्रेस और आखिरी है गॉड इटसेल्फ। सबसे ज्यादा तो सियाना पर सरल वो है जो परमात्मा से कुछ नहीं मांग रहा, परमात्मा को मांग ले रहा। आप जैसे ही धन मिलता है तो खुश हो गए, और नहीं मिला तो दुखी हो गए, उसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हो। और आपको क्योंकि जीवन का उद्देश्य अर्थ है, धन है, तो आपके लिए राइट रॉन्ग कोई भी नहीं, आप सही काम से पैसा कमाओ, गलत काम से, पैसा आएगा तो खुश हो जाओगे, पैसा नहीं आएगा तो दुखी हो जाओगे। सर जो है साल में 5 लाख कमाते हैं, अगली बार 4.5 लाख कमाए तो बहुत दुखी, क्योंकि 50,000 का नुकसान हो गया, मुंह लटका हुआ है, और अब कुछ भी करेंगे पर वो 5 पूरे करेंगे। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है, प्यार नहीं मिला तो कंप्लेंट्स, रिलेशनशिप में इश्यूज, यहां सब कुछ माया पे जुड़ा है। याद रखिएगा, आपको सब चाहिए, अभी आप लेने के इच्छुक हैं तभी तो आप में आनंद आ ही नहीं रहा, मुझे चाहिए। और तीसरी है गॉड्स विल कि भाई हम मंदिर आ रहे हैं, अपनी कृपा, अपना प्रेम बनाए रखना, मैं भी जतन कर रहा हूं, मैं भी कर्तव्य कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, धर्म के काम कर रहा हूं। लेकिन आखिरी स्तर सबसे उत्तम है जब आप ये कहते हो कि मुझे गॉड इटसेल्फ चाहिए, गॉड्स ग्रेस नहीं, गॉड्स ग्रेस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गॉड, मुझे तो तुम चाहिए। मोक्ष मीन्स आप स्वयं परम तत्व का रियलाइजेशन कर लेते हो। इस ऐसा स्तर है जहां आके आपकी मांगे शून्य हो जाती है। कितना है? प्यारा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं,
कि सपोज मैडम बैठी है, वो कहती है कि भगवान मुझे एक पतंग की तरह बना देना जो आकाश में उड़ रही है। वो कहां जाएगी उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम हवा हो, तुम मुझे उठा के ले जा रहे हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने जो धन, जो प्रेम, जो मेरी किस्मत में था, वो यानी जिस दिशा मुझे जाना है, जैसे मुझे उड़ना है वो तुम उड़ा दो। एक और काम करना, कहीं उस गुड्डी से दूर तोड़ देना, अब की बार वापस लपेट कर ना लिया है मुझे, अब की बार वापस फिर ना उड़ाए मुझे, क्योंकि यही तो मेरे साथ हो रहा है, मुझे बार बार उड़ाया जाता है, पेचे लड़ाए जाते हैं, एक बार पतंग लाने के लिए कहा जाता है और फिर मुझे वापस ले आते हैं, फिर उड़ाते हैं। अब मेरी डोर तोड़ देना और मैं जहां उड़ जाऊं वो ही वो, क्योंकि अब मैं मुझे ये समझ आ गया है कि मेरे द्वारा तुम काम कर रहे हो। जैसे जैसे आप बाहर मुखी से, क्योंकि जब तक प्रेम और धन की बात कर रहे हो आप लोअर लेवल के चक्रास की बात कर रहे हो, आप उठ ही नहीं पा रहे हो, आप जूझ रहे हो बाह्य जीवन की उन छोटी छोटी बातों में, आप उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हो। सब मोदी साहब नहीं बन पाएंगे, सब मुरारजी बापू या संत महात्मा भी नहीं बन पाएंगे। हर इंसान अपने किस्मत में बहुत सारी चीजें लाया, और सबसे प्यारी बात है कर्म की शक्ति, दिमाग की शक्ति, संस्कार, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो सवाल एक ये है कि मेरे चारों उद्देश्य के अंदर आनंद कहीं फंसा है, क्योंकि उसी उद्देश्य को मेरे पूर्ण होते आनंद आ जाता है, नहीं पूर्ण होता तो मैं दुखी हूं। पीस ऑफ माइंड क्यों चली गई, हम अच्छा नहीं कमा रहे, पीस ऑफ माइंड क्यों चली गई, क्योंकि हमने ये संबंध सोचा था वो हमें मिला नहीं, हमने सबके लेता प्यार किया कोई हमें गिलास पानी नहीं पिला था, हमारी जिंदगी तो व्यय हो गई, बेकार हो गई, हमने हमेशा किया हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। प्रेम पर तीसरा उद्देश्य जब इंसान पहुंच जाता है तो वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि वो और मैं हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसकी कृपा भी है और मेरे एफर्ट भी है। लेकिन जो चौथे चरण के उद्देश्य तक चला जाता है उसका मन एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है वो करता नहीं है, वो इस भ्रम से तीनों उद्देश्यों तक भी, पहले दो में तो कर्तापन का भाव, अहंकार और मैं, बस मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे दो, मुझे दो, मुझे क्यों नहीं देते भगवान, मेरी किस्मत पे क्यों नहीं था, हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, इसी की ही जद्दोजहद है। दो पहले उद्देश्यों में और तीसरे उद्देश्य में मन शांत होता है, ये महसूस होना शुरू होता है कि माय वो साथ काम कर रहे हैं, लेकिन माय कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बढ़ने लग जाता है, कर्ता का भाव कम होना शुरू हो जाता है, अहंकार कम शुरू हो जाता है, मांगने की इच्छा कम हो जाती है, मन ठहरने लगता है, एक्सेप्टेंस देता है कि उसने कुछ सोचा था, उसका भी एक प्लान था मेरे लिए जो मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब अंतिम उद्देश्य जो है जिसका वो पहुंचा उसका मन पूर्ण शांत हो जाता है, उसे मालूम है कि कोई इंसान संपूर्ण लेकर नहीं आया, उसे सब मिलने वाला है, मेरी किस्मत को जो था वो ना कोई छीन सकता था ना कोई छीन के ले जा पाएगा, मेरे को जो मेरी निधि है वो है मेरा आनंद, मेरी शांति, मैंने वो खो दिया वो पाने के लिए जो आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। मुझे आनंदित रहना था वो मेरी व्यंत थी, मुझे शांतिमय रहना था वो मेरी व्यंत थी, काश मुझे हार्मनी में रहना था स्वयं के साथ वो मेरी वेल्थ थी, अगर ये सब रहता तो मैं शारीरिक रूप से ठीक रहता क्योंकि मैं मानसिक रूप से ठीक था, पर क्योंकि मेरा निगाह बाहर थी, मेरे उद्देश्य बाहर ही थे, मैं हमेशा कुछ और मांगता रहा, जिसकी वजह से मैंने तीनों चारों को हिला दिया, मैंने अपनी हार्मनी को हिलाया, पीस को हिलाया। ऐसा इंसान सोचता है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्योंकि उसके उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि वो जो चाहता उसे वो मिलना चाहिए, क्या पता। और जो चौथा उद्देश्य वाला क्या है, उसका मन शांत है, कर्ता का भाव खत्म, क्योंकि वो एक पतंग की तरह हो रहा है और जहां जैसे वो ले जा रहा है वो केवल प्रेजेंट मोमेंट के आनंद में है। इस समय आप कोई परेशानी में है, कैसा फील कर रही है आप, कैसा फील कर रही है नीरज जी, कैसा फील कर रही है? यही मोमेंट आनंद का मोमेंट है, जब जब बार बार इस मोमेंट पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आनंद के मोमेंट में होंगे,
लेकिन मन चंचल होने की वजह से या तो पास्ट के टुकड़े पकड़ पकड़ के लाता है और उन्हीं को इकट्ठा करके फ्यूचर की कल्पनाएं करता है। तो जो चौथा उद्देश्य है उसमें वो बिल्कुल मनोस्थिति भिन्न हो जाती है, उसमें कुछ कर्ता का भाव नहीं, एकदम ऐसा जैसे डोरी ट्यूटी में पतंग जो आकाश में तैर रही है, आनंदित है, उसे डर नहीं है कि मैं किस घर जाकर ठहरूंगी। वो जानती है कि हवा जो है वो वही पूर्ण चेतना है जिसने उसके लिए निश्चित किया है कि उसे कहां पहुंचना है। उसे डर नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आनंद में तैर रही है एकदम आकाश में, आनंद में तैर रही है आकाश। वो जहां जाएगी वो आनंद में पहुंचेगी और उसे पता है कि ये मेरी जर्नी है। एक और बात जो बात करते करते मेरे मन में आई वो ये थी कि जो पहले दो उद्देश्य हैं धन और प्रेम, ये अच्छे उद्देश्य हैं, लेकिन इसके अंदर कर्ता का भाव और मांग ज्यादा होती है और आनंद डिपेंडेंट होता है मिलने पर। पर जब आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म होगा, हार्ट, तो आप ये महसूस करने लग जाते हैं कि लव लेने की बजाय देने में आनंद आता है, धन लेने की बजाय देने में आनंद आता है, धार्मिक कार्यों से फायदा उठाने की बजाय धर्म को महसूस करने में आनंद आता है, और चौथी मनोस्थिति इन सब के ऊपर चली जाती है। तो ये रिसीवर एंड गिवर डिफरेंट है। तो हैप्पीनेस आप देख पा रहे हैं कि उद्देश्यों को अगर आप ध्यान से अंकलन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस सीढ़ी में आनंद के लिए दौड़ रहे थे। आप जिंदगी में बहुत सारे काम आनंद के लिए कर रहे हैं, आप मैक्सिमम रिश्तों में भी आनंद ढूंढते हैं, कंफर्ट मिलता है, हमें इसका बहुत अच्छे से इसको सोचना चाहिए कि हम कहां फंस गए हैं, इतने सारे थॉट्स के बीच में ब्लॉक हो गए हैं और कोई एक उद्देश्य में फंस के इस पल को, प्रेजेंट मोमेंट को खो रहे हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, असीम शक्ति क्षमता है आनंद की। अगर आप ध्यान से नाम अभी आप कैसा महसूस करें इस पल में, बहुत हर पल ऐसा ही होता है, बहुत कम पल आते हैं जिसका प्रेजेंट मोमेंट रबर्ड होता है। 24 घंटे में से 22 घंटे आनंद के होते हैं, ट्रबल हार्डली 10-15 मिनट, एक घंटा, आधा घंटा, इतना भी नहीं हो सकता क्योंकि वो शॉर्ट टर्म आता है, पर वो अपनी छाप इतनी जबरदस्त छोड़ देता है। अब प्रॉब्लम कहां ही है, मन पकड़ के रख लेता हूं स्मृतियों को जो पूरी होती और उनको कूटता रहता है, कूटता रहता है, कूटता रहता है, एक स्मृति के साथ दो स्मृति मिलाता है। आप सोचिए कुकिंग रेसिपी, फिर दो स्मृति को कूटता है, उसकी नई डिश बनाता है, फिर और ऐड करता है, फिर वो अपना कंक्लूजन निकालता है, फिर तीन और जोड़कर छह को, फिर अगर उसमें अहंकार है तो अहंकार को मिक्स करता जाता है इस रेसिपी के अंदर और इससे एक काल्पनिक भविष्य सोचता है। याद रखिएगा, भविष्य किसी ने देखा नहीं, वो घटा नहीं, वो मेयर कल्पना है, भविष्य मेयर कल्पना है और वो आपके कहीं बीते हुए पलों का एक चेंज्ड वर्जन है। जो आज तक हुआ उसी के एसिमिलेशन में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव परिवर्तन से आपने भविष्य सोच लिया। क्या घटेगा क्या नहीं घटेगा ये परमात्मा ही पूरी तरह से जानता है, लेकिन आपने अपने बीते हुए पलों के बेसिस पर अपने भविष्य का आंकलन कर दी। पर सच ये है पास्ट जा चुका, आप उन पलों को अब वापस नहीं ला सकते जो बीत गया, और भविष्य आएगा। शरीर के पास केवल एक चीज है, वो है ये पल। अगर आपने इस पल की गहराई को जाके पकड़ लिया और इसके आनंद तक की गहराई को पकड़ लिया और इसमें जीने की आदत डाल ली और हर समय अपने इस मोमेंट में डूबने की आदत डाल ली, तो पास्ट हावी हो नहीं पाएगा और फ्यूचर ट्रबल करेगा।